सो है व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के दिन हम वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप देख रहे होंगे तो अभी हम सो के उठ ही रहे हैं जस्ट, ठीक है। और अपना गरीबों जैसा मुंह लेके हम वापस से आ चुके हैं खेलने, ठीक है। गरीबों जैसा कुछ ज्यादा हो गया, कोई नहीं, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं, मैंने कुछ खासा चेंजेस किए नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा चेंजेस किए नहीं है। सबसे पहले मैंने ये मैट बिछा दिया है इस वाले फ्लोर में, मतलब इस वाले रूम में भी, ठीक है। तो ये वाला लाइब्रेरी वाला रूम है, मुझे पता है लाइब्रेरी वाला रूम है। और यहाँ मेरी बहुत सारी बुक शेल्फ्स भी हैं, तो मैंने यहाँ भी मैट बिछा दिया है, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक है। सो यहाँ हमने बिछा दिया और हमने ज्यादा चेंजेस किया है बेसमेंट पे, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं बेसमेंट पे, तब आपको पता लगेगा हमने चेंजेस किया क्या आखिर, ठीक है, असल में। सो ये हम चले बेसमेंट पे, आपको दिख रहा होगा जरा, मतलब कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। क्या चेंजेस हुआ है मुझे बताओ, ठीक है, और कमेंट्स करो जल्दी से। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, नहीं कमेंट्स करो आप कि मैंने बनाया क्या होगा असल में, ठीक है। सो आपका टाइम शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5 और आपका टाइम होता है खत्म, ठीक है। अगर आप मेरी मतलब वीडियो अभी मतलब जैसे देख रहे हैं कंटिन्यू और कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, और जब बाद में आपने देख लिया है फिर कमेंट्स कर रहे हैं, तो उसका कुछ खासा फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कुछ चीटिंग करेगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो भाई नहीं पता, तो इसमें आपकी क्या गलती है, ठीक है। बट चीटिंग मत करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ एक और बेसमेंट बना दिया है, ठीक है। तो देख रहे हो ये मेरा एक और बेसमेंट है जो कि डायमंड का है, मतलब 2 लगातार डायमंड के बेसमेंट मैंने बना चुका हूँ, मतलब इस बंदे ने 2 लगातार बेसमेंट बना चुका है, ठीक है। और जो बिल्डिंग होती है, चलो बिल्डिंग से आपको पता ही लग गया होगा, तो बिल्डिंग असल में बिल्डिंग में होता क्या है, ठीक है। एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, दूसरे फ्लोर के ऊपर तीसरा फ्लोर, ठीक है, होते रहते हैं ना फ्लोर। तो हम भी इसको मतलब ऐसे कन्वर्ट करते रहेंगे, ऐसे एक एक जैसे एक सबसे पहले हमने अंडरग्राउंड घर बना दिया, अब उसके नीचे बेसमेंट, फिर उसके नीचे बेसमेंट, फिर उसके नीचे बेसमेंट, तो बेसमेंट पे बेसमेंट हम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ खैर इसको इतने भी खत्म कर दें, क्योंकि फिर हम जो है और घर बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब हम किसी से डरते थोड़ी हैं, है ना, हम किसी से भी नहीं डरते हैं, यस, हाँ हम इंडियंस हैं, एकदम प्योर, एकदम साफ सुथरे इंडियंस हैं, और इंडियंस किसी से भी नहीं डरते हैं, ठीक है। सो खैर, बट मैं डरता हूँ यार कोरोना वायरस से, यार मतलब वैसा डर नहीं है, बट अगर अगर हम उसके मतलब जैसे कोरोना वायरस क्या है, ठीक है, कोरोना वायरस एक वायरस है जो बहुत ही तेज स्प्रेड हो रहा है सब पूरे देश में, तो खैर हो रहा है पर पूरे विश्व में हो रहा है, ठीक है। तो उससे बचने का क्या तरीका है, सिंपल, अपने हाथ धो लो, ठीक है, मतलब 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धो लो, क्या है उससे आपके जो जर्म्स है वो हाथ में अब नहीं रहेंगे, ठीक है, और फिर आपको कोरोना वायरस दूर रखेगा साबुन, साबुन कोरोना वायरस से आपको दूर रखेगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात है सैनिटाइजर, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ ज्यादा महंगा नहीं आता, ठीक है, और आ जाते हैं सस्ते भी आ जाते हैं, महंगे भी आते हैं, आपको क्या कौन सा महंगा चाहिए, ठीक है, मीडियम मीडियम ले लिए, मतलब 100-150 रुपए का भी आ जाएगा, ठीक है, तो वो ले लीजिए, प्रोटेक्शन रहेगी। एक मास्क पहनना, मतलब घर से आप मतलब ये देख रहे हो कि आप चौड़े मत हो, ठीक है, आप सोचोगे भाई इसने मास्क नहीं लगाया मैं क्यों लगाऊं मास्क, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। सो अगर आप सोच रहे हैं ये भाई इसने मास्क नहीं लगाया मैं क्यों मास्क लगाऊं, हमको किसी की डरा रखी है, ठीक है, तो भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। तो ये होते हैं जाहिलात वाले काम, ठीक है, जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं भाई, आप अपने खुद की प्रोटेक्शन करनी है और फिर बाद में अपने देश की भी प्रोटेक्शन करनी है। अब फिर वो आप पे डिपेंड है, आपको लगाना है या नहीं लगाना, बस आपको बचे रहना अगर कोरोना वायरस से, तो अपने घर में रहो और ज्यादा से ज्यादा ऐसे मतलब बिना मास्क के घूमो मत, ठीक है, और कुछ खास तो है नहीं, तो बस इतना ही बोलना था यार, ठीक है। सो और कुछ ज्यादा बोलना नहीं था मेरे को, और तो आप सोच रहे होंगे मैं एक्सपर्ट क्यों बन रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं बन रहा भाई, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप वीडियो बंद भी कर सकते हैं, बट भले मैं कह रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं, ठीक है। सो अभी जो है, अभी मैंने आपको बेसमेंट दिखा दिया है, अभी हम वापस से ऊपर चलते हैं, ठीक है, और ये खुला हमने दरवाज़ा, और ये हम वापस ऊपर चलते हैं,
ठीक है गाइस। तो जो ये तो हमारा बेसमेंट था, और ये आ चुका है हमारा अंडरग्राउंड घर। वैसे एक टाइप से ये भी बेसमेंट ही है। मैं सोच रहा हूँ इधर मतलब वो कुछ वो लगा लूँ, मैट वगैरह कारपेट वगैरह कुछ लगा लूँ। सो जल्दी से सेलेक्ट करते हैं कोई कारपेट, ठीक है। सो इधर कारपेट सर्च करना है हमें, कौन सा बिछाएं? रेड वाला सही है ना, रेड वाला बिछा देते हैं हम। किसकी जगह बिछाएं? टॉर्चेस की जगह लगा देते हैं। तो अभी हमको जो है वापस से बैक हो जाना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। अभी हमारा जो ये वाला है सेलेक्ट कर लिया हमने कारपेट, और हमारा जो कारपेट है बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है। कतई जहर लग रहा है, मतलब बयां नहीं कर सकते यार, इतना सही लग रहा है। और हम अपना जो काम है किए जा रहे हैं, कारपेट बिछाने का काम। और यहाँ बिछेगा नहीं मुझे पता था, खैर वैसे एक ट्राई मारने में कुछ जाता नहीं, ठीक है। तो बस हमने वही ट्राई मारा, और ये एक और कारपेट लगा लिया हमने। और कारपेटों की कमी नहीं है भाई, अनलिमिटेड कारपेट है, इसलिए कोई कंचूसी वगैरह नहीं करने वाला। अगर रियल लाइफ में होता तो भाई अभी तक पता नहीं कितनी कंचूसी कर लेते हैं, ठीक है। मैं यार कारपेट पता है क्यों नहीं बिछाता था, जैसे हमारे गलती से कहीं वाटर सोर्स अगर हमारे घर में आ गया, वाटर आ गया तो हम क्या करेंगे? नहीं क्या करेंगे आप बताओ, मतलब कुछ होगा तो नहीं, बट ये जो कारपेट है ये बह जाएंगी, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा वो, जैसे अभी दिखाता हूँ मैं, मतलब ये तो हुआ नहीं, खैर ये थोड़ा गलत पड़ गया हम पे ही भारी। कोई नहीं, आपको पता होगा अगर आप खेलते हैं तो, नहीं पता होगा भी मैं बता दूंगा, ठीक है। कैसा होगा आपको एक लाइव टेस्ट दूंगा बाहर चल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लगा लेते हैं अपने कारपेट वगैरह, फिर बाहर चल के अपना तोड़ा फोड़ी करेंगे, ठीक है। और हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है। ये जो हमारा रेड कारपेट है इतना सोना लग रहा है ना, मतलब क्या बोलूं मैं यार। मुझे पता है मैंने, मतलब मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। मतलब जो बेसमेंट बनाते समय मैंने वीडियो बनाई थी, और पता नहीं कैसे वो कट हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहता था भाई कितनी मेहनत लगती है असल में यार, यार लेबरों को कितनी मेहनत लगती होगी, वो कितने महीनों में तैयार करते हैं घर, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। जैसे साल बहुत ही कम लगता है किसी बहुत ही मतलब बिल्डिंग टाइप घरों में, जो बहुत ही बड़े बड़े जिन बहुत बड़े बूढ़े बिल्डिंग होती है उनमें लग जाते हैं साले, ठीक है। साले मतलब वो वाला गाली वाला साले नहीं, साल मतलब सालों लग जाते हैं, साले बोल दिया मैंने गलती से, तो उसके लिए मेरे को माफ कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको नजरअंदाज करते हुए, और यार हमारी जो है ये टूट चुकी है, और मेरे को मिलने अभी मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से ये वाला ब्लॉक। मेरे को अगर मिल गया ना मैं खुश हो जाऊंगा यार, मेरे को कोई वाला ब्लॉक दे दो वापस से। ये है? नहीं यार ये वाला भी नहीं है यार, ये वाला है? नहीं यार, वो वाला ब्लॉक बहुत ही अनोखा था, ठीक है। और वो हो चुका है अभी गुम, और मेरे को अभी इस पे ब्लॉक नहीं है उसका वाला, और ये मेरे को मिल चुका है, कुछ खासा वो नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है, चलो कोई नहीं। ये हमने डाला इधर, ये बस, और क्या, वापस अब अपना काम करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे टाइलें भी सही लग रही हैं, बट मैट बिछाने से और भी कूल लग रहा है ना। लिखना है यार कमेंट्स में कूल लग रहा है या नहीं लग रहा, और मतलब अलग से मेंशन करना है कि ये कूल लग रहा है, ठीक है। आपका फ्लोर का कारपेट कूल लग रहा है, ठीक है। सो और अभी जो है, अभी हमारा जो कारपेट है लगभग होने ही वाला है, ठीक है। और ये हमारे कारपेट लग रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो कारपेट है अभी बिछने पूरा बिछने वाला है। और अभी जो है हमारा पूरा कारपेट बिछने वाला है, तो कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं है यार, बहुत ही आसान है, ठीक है। खाली पर यार कभी कभी बोर हो जाता हूँ मैं लगाते लगाते इन कारपेटों को, वैसे बोरिंग का काम है बट कोई नहीं, ठीक है। ओके सो लंबी वीडियो बनानी नहीं आज मेरे को, तो जल्दी एंड कर देंगे। मेरे को वो आधे घंटे वाली वीडियो नहीं बनानी, ठीक है। 10-20 मिनट में एंड कर देंगे, खैर 10 मिनट तो होने वाले हैं अब, ठीक है। वीडियो को हुए मेरे अंदाजे से बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैंने कुछ देखा नहीं, बस मैं अपनी गेम पे फोकस कर रहा हूँ फुल,
और बोलने में फोकस कर रहा हूँ और कुछ ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। और खैर कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता अब मैं। हमारा जो कारपेट है वो हो चुका है लगभग, और बस थोड़ा सा और रह गया है। और ये हमारा कारपेट हो चुका है लगभग पूरा। अभी लैम्प हटा के मैं इधर कारपेट वापस से लगाने वाला हूँ। थोड़ा अब अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है, तो इधर मैं वापस से अपनी लैम्प जो है वो बिछा देता हूँ। मतलब नहीं बिछेगी यार, ये बोल रहा है नहीं बिछेगी, ये तो मैंने दस्ते में डाल दी। ठीक है, अब इधर लांटेन की मतलब ऐसे डोरियां जैसी बनाएंगे। ओके, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। और अब हमारा घर जो लग रहा है बहुत ही औसम लग रहा है, सही में यार औसम लग रहा है। लग रहा है या नहीं लग रहा है यार मेरे को कमेंट में करना, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो वो मुझे पसंद नहीं है और आपको भी पसंद नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और बाद में जो बड़ा वाला घंटा आता है उसको दबा देना, ठीक है। उसमें आप कुछ भी मारे मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, बस वो दब जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं दबेगा और आप चले गए बिना बजाए तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। मुझे नहीं, आपको मजा नहीं आएगा, मेरी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ उस घंटे दबाने की वजह से पहुंचेगी, ठीक है। तो कुछ ज्यादा लंबी वीडियो बनानी नहीं है, बस आपको पता है यार आपके लिए यार जान भी कुर्बान है, बट दे नहीं सकते क्योंकि यार फिर वीडियो कौन बनाएगा आपके लिए, है ना। मुझे पता है, मगर अगर मैं मर गया तो फिर वीडियो कौन बनाएगा, है ना। सिंपल बात है यार, कुछ ज्यादा फिर बोलना नहीं है, फिर बड़ी वीडियो बन जाएगी और आप भी फिर बोलेंगे कमेंट करके कि भाई आप तो बहुत ही लंबी वीडियो बना रहे हैं बातों बातों में, ठीक है। तो अपनी वीडियो क्लोज करते हैं सोते से, ठीक है। सो अभी हम सो चुके हैं और ये अभी हम उठ चुके हैं, और अभी हम जरा बाहर जाते हैं और फिर वहां अपनी वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां अलग ही एक मजा आता है, ठीक है। सो अभी हम जा रहे हैं, ओके। सो इधर ही क्लोज कर देते हैं या फिर इधर बीच रास्ते में मजा आएगा अलग ही। सो ये देखो, ये मतलब पता नहीं क्या आ जाता है, ये रिस्पॉन पॉइंट सेट वगैरह वगैरह, तो इसका मुझे कुछ सिस्टम समझ नहीं आता है।